हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर का पूरा रिवीजन मैं कराने वाला हूं, तो आप प्लीज़ 10 मिनट आराम से इस वीडियो को देखो, एंड तक देखना क्लास, जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लगभग 1 से 2 नंबर का तो इससे MCQ आता है और 3 to 4 मार्क्स का इससे आएगा क्वेश्चन। तो पूरा चैप्टर अच्छे से आपका रिवाइज होने वाला है within 10 मिनट्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और उसके बाद ही आप शेयर करना इसको। अगर आपको लगे कि ये बेनिफिशियल है तो आप शेयर करना। चेक करते हैं पहला क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स। आप सबको पता होना चाहिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। लेकिन एक्सपोर्ट किसका, इंपोर्ट किसका? एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, यानी कि चाहे विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, चाहे यूनिलैटरल ट्रांसफर हो, चाहे कोई भी एक्सचेंज एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री से करता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो क्या रिकॉर्ड होता है इसके अंदर, चेक करते हैं आंसर, विजिबल भी इनविजिबल भी, यानी कि इसका हो गया ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आर नोन एज, वन साइडेड पेमेंट होता है ये, यानी कि एक तरफा पेमेंट। जैसे आपने किसी को गिफ्ट दिया तो आप बदले में ये नहीं बोलते ना कि मैंने आपको गिफ्ट दिया है आप भी मुझे गिफ्ट दो, तो ये वन साइड पेमेंट होती है, दैट इज वन वे ट्रांसफर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड। ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहली बात, अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करें तो वो आता है करंट अकाउंट के अंदर, तो हमारा ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। और अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे यानी कि हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा। ध्यान रखना, जब भी पैसा आएगा तो क्रेडिट, जब भी जाएगा अगर तो क्या होगा, डेबिट। तो पैसा आएगा तो क्रेडिट, तो करंट अकाउंट की कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा, ये करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये ट्रू फॉल्स का है, बिकॉज 1 मार्क्स में ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बैलेंस ऑफ ट्रेड डजंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैपिटल नेचर। क्लास, ये जो कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, गुड्स आता है ओनली, कैपिटल नेचर का नहीं आता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डजंट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन कैपिटल, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो क्योंकि वो चीज आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज रिकॉर्डेड एज। ध्यान रखना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कैपिटल में आता है, तो करंट वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। और अगर हम विड्रॉ करते हैं यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को विड्रॉ करते हैं, देखो मान लो मेरे पास एक SDR है, इसे मैं बाहर बेच के 10 लाख रुपए लेता हूँ, यानी कि बाहर देश को, मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी को, फंड को बेच के, तो विड्रॉ करने का मतलब क्या है, मेरे पास फॉरेन करेंसी आएगी, दैट इज क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो फॉरेन करेंसी से, फॉरेन करेंसी को देकर हम क्या खरीदते हैं, SDR, तो ये SDR विड्रॉ कर लेंगे अगर हम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को विड्रॉ कर लेंगे तो ये क्रेडिट साइड आएगा कैपिटल अकाउंट के। नेक्स्ट, ऑटोनोमस आइटम इन BOPR। ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो होते हैं, एक ऑटोनोमस, दूसरा एकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस में हम पूरे साल जो भी ट्रांजेक्शन प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, और वो करेंट और कैपिटल दोनों नेचर में होता है। लेकिन जो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ BOP को बैलेंस करने के लिए करते हैं हम लोग, और वो होता है ओनली एंड ओनली इन कैपिटल नेचर। तो ऑटोनोमस दोनों में आता है, इसका ऑप्शन होगा सी, करेंट एंड कैपिटल बोथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस will be recorded on debit side of BOP। आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन BOP के डेबिट। देखो डेबिट का मतलब होता है पैसा जाना, और क्रेडिट का मतलब होता है पैसे का आना, तो डेबिट है माइनस, क्रेडिट होता है प्लस। तो आपको पूछा कौन सा डेबिट साइड आएगा। ओके, तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने रीपे किया लोन, अगर करेंसी लोन लौटा देंगे तो बिल्कुल सही है, यानी कि जो पहले लोन लिया था वो लौटाएंगे तो करेंसी चली जाएगी। एक्सपोर्ट करने से करेंसी आती है, एक्सपोर्ट करेंगे यानी सेल करेंगे तो करेंसी आएगी, तो ये नहीं होगा। टॉयज खरीदा है यानी वो भी करेंसी जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर है ए एंड सी, दोनों में ही फॉरेन करेंसी जाएगा और ये करंट डेबिट आइटम है। नेक्स्ट, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लास, देखो ये सिर्फ गुड्स लिखा है तो आप इसे लिखोगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, अगर ये ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता तो इसको लिखते हम बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट, सरप्लस इन BOP अराइजेस व्हेन। सरप्लस कब अराइज होगा, सरप्लस तब अराइज होगा जब हमारा रिसीट है वो ज्यादा होगा किससे, पेमेंट से। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एकोमोडेटिंग रिसीट्स इज मोर देन एकोमोडेटिंग पेमेंट।
क्लास ध्यान रखना, जब भी बीओपी सरप्लस या डेफिसिट आता है वो एकोमोडेटिंग से नहीं आता, किससे आता है? ऑटोनोमस से। क्यों? क्योंकि एकोमोडेटिंग तो बीओपी को बैलेंस करने के लिए होता है, जबकि ट्रांजेक्शन जितनी भी होती है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑटोनोमस रिसीट आर मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट। अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए और जरूर कमेंट सेक्शन में स्कोर बता के जाना। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज्यादा ऐसी वीडियो बनाने के लिए। मैंने हर एक चैप्टर के वीडियो आपके लिए सेपरेट बना रखे हैं जो 10 मिनट के अंदर का ही है, तो आप प्लीज उनको देख के अच्छे से अच्छा स्कोर करना 12th में। ओके, नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। देखो, जो ऑटोनोमस होता है वो इंडिपेंडेंट इन नेचर का होता है, लेकिन जो एकोमोडेटिंग है यानी कि जो बैलेंस करने के लिए होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो जो एकोमोडेटिंग है वो डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट चीजें क्या कहते हैं क्लास? एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट ऑन अदर। तो जो डिपेंडेंट है तो एकोमोडेटिंग, इंडिपेंडेंट है तो ऑटोनोमस। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या है? जहां पे पेमेंट जो है वो ज्यादा है, तो पेमेंट जो है वो, देखो करंट अकाउंट का पेमेंट ज्यादा है या कैपिटल अकाउंट का, या दोनों का? करंट कैपिटल दोनों किसमें आता है? ऑटोनोमस। सही आंसर इसका सी, यानी जहां पे करंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो दोनों का जो पेमेंट है वो ज्यादा है रिसीट से। नेक्स्ट, अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया। ध्यान रखना कंपनी कहाँ पे है? इंडिया में। लोन लेते हैं बाहर देश से, हाउ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो लोन लेंगे तो करेंसी आएगा प्लस, तो ध्यान रखना प्लस का मतलब होता है क्रेडिट, तो ये डेबिट वाले तो वैसे ही गलत हो गए। और लोन किसमें आता है क्लास? कैपिटल अकाउंट में। तो सही आंसर इसका क्रेडिट साइड। ध्यान रखना ये डीप कॉन्सेप्ट से आपसे पूछा जा रहा है। क्रेडिट साइड आएगा यानी कि पैसा आएगा वो भी किस अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। कॉज ऑफ बीओपी इनबैलेंस। बीओपी इनबैलेंस का जो कॉज ऑफ बीओपी इनबैलेंस इज रिलेटेड टू, देखो एकोमोडेटिंग तो बीओपी को बैलेंस करता है, तो कॉज क्या होता है क्लास? ऑटोनोमस। उससे अलग आता है आंसर, और उसको मैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं बराबर करने के लिए। एकोमोडेटिंग अगर गलत है तो वो ऑटोनोमस। एक्सपोर्ट है 1000 लाख का और इम्पोर्ट है 1650 लाख का, तो बीओपी, देखो बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट है 1000 और इम्पोर्ट है 1650, तो ये माइनस का आएगा 650। तो सही आंसर है माइनस मतलब डेफिसिट, डेफिसिट है 650 का। एक और देखते हैं, इफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड शोइंग डेफिसिट ऑफ ₹200। ध्यान रखना डेफिसिट कितने का है? 200, और फॉर्मूला होता है इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट 900 है तो आपको निकालना है एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट कितना आएगा? 700। अगर आप इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो इसका आएगा 7। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप कि पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है क्लास तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं आगे क्या इंप्रूव कर सकता हूँ वो भी मुझे बताओ। और ऐसी पूरे चैप्टर के, लास्ट चैप्टर था, मैंने हर एक चैप्टर की वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज देखो अच्छे से। अच्छा लगे तो क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएशन करना और शेयर करना दोस्तों के साथ। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको।